आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको कि हलवाई अपनी मिठाइयों में डाल के मिठाइयाँ टेस्टी बनाते हैं। यह है तगार और बूरा। ये आसानी से घर में बन जाता है और इसको आप एयरटाइट कंटेनर में रख के महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो फेस्टिव ओकेशन में आप इसे पेड़ा, बर्फ़ी, बेसन के लड्डू सभी बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल DDC रेसिपीज। आज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, उसके नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा आ रहा है, तो उसको प्रेस करके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या क्या सामान पड़ेगा। इसमें बहुत ही कम सामान पड़ता है। 1.5 बड़े कप मैंने ये चीनी ली है, यानी कि शुगर। इसको मैंने इस कप से मेजर करके लिया है। इसी तरीके से आप भी कोई एक बर्तन सेट कर लें मेजरमेंट के लिए, उसी अकॉर्डिंग सब कुछ मेजर करके ले लें। 1/2 कप पानी है और 1.5 बड़े चम्मच घी। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक पैन रख लिया है गैस में और हम गैस को ऑन कर देंगे। इसमें जो हमने शुगर ली है वो डाल देंगे और साथ ही साथ हम इसमें पानी भी डाल देंगे। फ्लेम को हाई रखें जब तक कि चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, और इसको इसी तरीके से चलाते हुए हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। फ्लेम को मीडियम कर दें। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए हमें चाशनी को गाढ़ा करना है। मैं बहुत ही थिक इसकी कंसिस्टेंसी बनानी है। साइड पे अगर ये ऐसे लगे तो इसे निकालते रहिए। हलवाई लोग इसी से अपनी मिठाइयाँ बनाते हैं, बर्फी हो, लड्डू है, पेड़ा है, तभी उसका टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा ये अलग होता है, जो हम चीनी घर में पीस के तैयार करते हैं उससे इसका टेस्ट अलग होता है। ये बहुत ही ज़्यादा फूला फूला बनता है, तो इससे टेस्ट सभी मिठाइयों का बहुत ही अच्छा आता है। देखिए इतना गाढ़ा ये हो चुका है, और बिल्कुल देखिए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं, झाग बन चुका है इसके ऊपर। तो इस स्टेज हम इसमें घी डाल देंगे। घी डालने से ये होता है कि इसमें जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो नहीं बनेंगे, ये ढेले में नहीं बनेगा। घी को भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। अभी हम इसको और कुक कर लेंगे। बस ये अब बनने ही वाला है। अब ये चीनी बिल्कुल गाढ़ी होने लगी है। स्टेज में आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये बिल्कुल जल सकती है। तो इसको आपको लगातार ही चलाते रहना है। देखिए अब हमारी चीनी बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी ये हो गई है, कितने इसमें जो है झाग इकट्ठा हो गया है। तो अब हम इस स्टेज में गैस बंद कर देंगे और ये ठंडा होकर अपने आप ही और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी। तो गैस मैंने बंद कर दिया है और उसको हम इसी तरीके से हिलाते रहेंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये थिक होना शुरू हो गई है। इसको लगातार चलाते रहें ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स फॉर्म ना हो। इसको हम गैस से अब हटा लेते हैं, नीचे निकाल लेंगे। देखिए गैस से हमने इसको निकाल लिया है और इसको आप लगातार इस तरीके से प्रेस करते रहें ताकि इसके लम्स बिल्कुल भी फॉर्म ना हो और ये बहुत ही अच्छी बूरा बन के तैयार हो जाए हमारा। अगर बाय चांस आपके इसमें लम्स फॉर्म हो भी जाए तो कोई बात नहीं, उसको इस तरीके से प्रेस करते हुए तोड़ दें और उसके बाद बूरा को छान लें। वैसे अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल भी इसमें लम्स फॉर्म नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छी हमारा बूरा या कहिए तगार बन के बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इस तरीके से बना पाएँ। और अगर आप मुझसे कोई और रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसको हम एक बोल में खाली कर लेते हैं क्योंकि ये बनके बिल्कुल रेडी है। आप देखें इसमें बिल्कुल भी लम्स फॉर्म नहीं हुए हैं, कितनी अच्छी स्मूथ बनके ये तैयार है। देखिए अब इससे आप लड्डू बनाएं, पेड़ा बनाएं, बर्फी बनाएं या हलवे में डालें, ये सभी में बहुत ही अच्छी लगेगी।
इसको आप ठंडा होने के बाद ही किसी एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रखें। गरम गरम इसको आप बिल्कुल भी कवर ना करके रखें, क्योंकि इसके गर्मी से जो इसका मॉइस्चर बनेगा उससे इसमें ढीले बन सकते हैं। तो बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही आप इसको किसी भी जार में पैक करके रख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए प्लीज डीडीसी रेसिपीज को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल माई नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।